असल स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आई एम सईद द काम नदीम आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास नाइन्थ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रिमेनिंग करियर्स इन बायोलॉजी जी स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोग ने करियर्स इन बायोलॉजी पढ़ा था उसमें हम लोग ने कुछ प्रोफेशन पढ़े थे जो कि आप लोग बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद एडॉप्ट कर सकते हैं जैसे कि उन प्रोफेशन में हमने देखा था मेडिसिन को सर्जरी को एनिमल हस्बेंड्री को एग्रीकल्चर को इसके अलावा फिशरीज को आज कुछ रिमेनिंग प्रोफेशन हैं जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं सबसे पहले जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर इज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग यानी बागवानी हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर में हम लोग बागवानी के बारे में पढ़ेंगे यानी हम लोग अपने घर में किस तरीके से पौधे लगा सकते हैं हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर में ऐसे पौधे आ सकते हैं जो कि ऑर्नामेंटल हो यानी सजावटी पौधे या फिर फ्रूट प्लांट्स यानी फलदार पौधे हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम क्या होता है यानी एक माली या बागबान का काम क्या होता है तो उसका काम ये होता है कि वो जो पहले से मौजूद ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनको उनकी ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट लाए और इसके अलावा नई वैराइटीज जो भी आई हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की या फ्रूट प्लांट्स की उनको भी हमारे गार्डन में लगाए हम लोग हॉर्टिकल्चर को एज ए प्रोफेशन में अडॉप्ट कर सकते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर को पहले स्टडी करें और उसके बाद इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करें इसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं हम देखते हैं कि क्या हॉर्टिकल्चरिंग जो है ये हमारे लिए हमारी एनवायरमेंट के लिए ज़रूरी है या नहीं तो बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग ग्रीन प्लांट्स अपने मुल्क में लगाएंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि ग्रीन प्लांट्स हमारी एनवायरनमेंट से या एयर से पोलूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे हमारा एनवायरमेंट साफ हो जाएगा हम देखते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एयर में रिलीज करते हैं जिससे वही ऑक्सीजन इंसान अपनी ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करता है इसका मतलब ये हुआ कि पौधे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही जरूरी हैं सिर्फ एनवायरमेंट को साफ करने के लिए नहीं बल्कि हम देखते हैं कि हमारे सांस लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन पौधे रिलीज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग बेहतर तरीके से ऑक्सीजन की एक्सेस में हम अच्छे तरीके से सांस ले सकेंगे तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ और ज्यादा से ज्यादा अपने एनवायरमेंट को फायदा पहुंचाए इससे आपका फायदा भी है और हमारा फायदा भी है नेक्स्ट जो प्रोफेशन देखने जा रहे हैं वो है फार्मिंग का यानी कि काश्तकारी का हम लोग देखते हैं काश्तकारी क्या होती है या फार्मिंग क्या होती है तो फार्मिंग क्या होती है इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ़ फार्म्स यानी डिफरेंट फार्म्स को हम लोग किस तरीके से डेवलप करेंगे किस तरीके से हम उनको मेंटेन करेंगे और उसके अंदर दिन ब दिन किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं या हमारे जो एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी है उसमें इजाफा होगा तो हम लोग फार्मिंग में यही देखेंगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप्स के फार्म्स अवेलेबल हैं जैसे हम देखते हैं कि पोल्ट्री फार्म है इसके अलावा एनिमल फार्म है इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि फ्रूट फार्म्स हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोल्ट्री फार्म क्या होते हैं पोल्ट्री फार्म में हम देखेंगे चिकन और एग्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो किस तरीके से डिवेलप हो सकती है किस तरीके से जो है वो इम्प्रूव हो सकती है इसके बाद फिर हम देखते हैं फ्रूट फार्म्स क्या होते हैं ऐसे फार्म्स जहाँ पर हम लोग जो है वो फलदार पौधे लगाएंगे और डिफरेंट फ्रूट्स की जो यील्ड है उसमें इजाफा करेंगे फिर हम लोग देखते हैं कि एनिमल फार्म्स क्या होते हैं एनिमल फार्म्स में हम ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से जो है वो एनिमल की प्रोडक्टिविटी में चाहे वो मिल्क हो या उसके गोश्त की जो क्वांटिटी है वो हो उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होगा जिसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा जो है वो अच्छी क्वालिटी का जो है वो मीट भी अवेलेबल होगा और इसके अलावा हमें अच्छी क्वालिटी का मिल्क भी अवेलेबल होगा अगर हम लोग जो है वो फार्मिंग को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो स्टडी करना पड़ेगा बायोलॉजी को इसके अलावा जोलॉजी को एनिमल हजबेंड्री को या फिर हम लोग स्टडी करेंगे फार्मिंग को अच्छा यहाँ हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉमेशन है और वो ये है कि 2050 तक जैसे जैसे जो है वो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें तकरीबन यानी फार्म जो फार्मर्स हैं उनको अपनी जो आ, आ, फार्मिंग है उसके अंदर 70 परसेंट अपनी जो यील्ड है उसमें इजाफा करना पड़ेगा ह्यूमन की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोफेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉरेस्ट्री का फॉरेस्ट्री क्या होती है कि इट इज़ द प्रोफेशन Which looks after द नेचुर फॉरेस्ट एंड advises द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग artificial फॉरेस्ट yani इस प्रोफेशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो ऑलरेडी नेचर फॉरेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं हम लोग उनको किस तरीके से मेंटेन करना है उनका किस तरीके से ख्याल करना है हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइज़ करता है कि अगर कहीं पर भी जंगलात लगाने की ज़रूरत है या नए दरख्त उगाने की ज़रूरत है तो वहां पर जो है वो नए दरख्त उगाए जाए इस तरह हमारी जो मुल्क है उसके अंदर ग्रीनरी में इजाफा होगा और हमारा इन्वामेंट भी पोल्यूशन फ्री रहेगा हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट्री जो लोग फॉरेस्ट्री को एज़ अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो मास्टर्स या ग्रेजुएशन लेवल पे जो है वो जोलॉजी को बॉटनी को या बायोलॉजी को स्टडी करें क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जब वो एज़ अ एज अ प्रोफेशन उसको पढ़ लिख कर एडोप्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में जो है वो उन वाइटीज़ ऑफ प्लांट्स के बारे में भी सारा कुछ नॉलेज होगा इसके अलावा जो है वहाँ पर जंगलात में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बारे में भी ज़्यादा नॉलेज होगा जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी भी जंगल को जो है वो मेनटेन भी कर सकते हैं और उसके अंदर जो है वो इम्प्रोमेंट उसकी ग्रोथ में जो है वो क्या कर सकते हैं इम्प्रोवमेंट भी ला सकते हैं जी स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का बिगेस्ट फॉरेस्ट कौन सा है तो छांगा मांगा है जो कि पाकिस्तान का बिगेस्ट फॉरेस्ट है ये 12,515 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है इसके अलावा ये 1866 में इस्टेब्लिश हुआ था हम देखते हैं कि ये किसके अंडर आता है तो ये आता है पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर अब जो प्रोफेशनल लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट फील्ड है बायोलॉजी की सबसे पहले जो वर्ड इस्तेमाल किया था बायोटेक्नोलॉजी का वो एक एग्रीकल्चर इंजीनियर था उसने इस्तेमाल किया था और वो था कैरोले एरिके इन 1919 हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक द प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड ये डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं यानी बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग इंसान के फायदे के लिए बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं लेकिन किस चीज को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए जैसे इसकी सबसे जो आसान सी एग्जाम्पल है वो है इंसुलिन हम देखते हैं कि पहले जमाने में जब किसी को भी डायबिटीज होती थी, थी तो उसका कोई इलाज नहीं था जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई तो हमने देखा कि वो लोग जिनमें नेचुरली इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती तो वो इस इंसुलिन को मार्केट से भी खरीद सकते हैं हम देखते हैं इंसुलिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजीज कैसे तैयार करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इंसुलिन का जीन इंसर्ट करके इंसुलिन प्रोड्यूस कराते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन एक ऐसा प्रोडक्ट हुआ जो कि इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है तो ये इंसुलिन तैयार कैसे हो रही है तो ये हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ही तैयार कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स एज ए प्रोफेशन बायोटेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल पे जोलॉजी बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करें अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो मास्टर्स या बी ऑनर्स भी हो रहा है तो आप लोग अगर बायोटेक्नोलॉजी को एज ए प्रोफेशन लेकर चलना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो मास्टर्स लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे स्पेशलाइजेशन करें बायोटेक्नोलॉजी में उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा लेकिन ये मुझे पता कैसे चलेगा ये मुझे पता चलेगा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ उनके आंसर्स आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को कितने परसेंट उसके आंसर्स आते हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं इसलिए आप लोगों ने ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को नहीं भी आते तो आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है तो पहला सवाल जो मैं आप लोगों से पूछने जा रही हूँ वो क्या है सबसे पहला जो सवाल मैं आप लोगों से पूछने जा रही हूँ वो है गिव रोल ऑफ हॉर्टिकल्चरिस्ट तो हॉर्टिकल्चरिस्ट का क्या रोल होता है वो हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ा है हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग वराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल एंड फ्रूट प्लांट्स एंड ग्रो न्यू वराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल एंड फ्रूट प्लांट्स यानी अगर मैं इसको आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो हॉर्टिकल्चर क्या काम करता है कि जो पहले से मौजूद ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनकी देखभाल करते हैं उसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट लाते और नए जो वराइटीज होती है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की या फ्रूट प्लांट्स की उनको लगाता है इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है वॉट आर पोल्ट्री फार्म तो पोल्ट्री फार्म क्या होते हैं इन पोल्ट्री वी डील विथ चिकन एंड एग्स प्रोडक्शन यानी हम लोग जो है वो क्या करते हैं पोल्ट्री फार्म में चिकन और एग्स की प्रोडक्शन करते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं गिव रोल ऑफ बायो तो बायोटेक्नोलॉजीज क्या काम करते हैं बायोटेक्नोलॉजीज ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे बेटरमेंट के लिए या हमारी वेलफेयर के लिए ज़रूरी होते हैं जी स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने जो आज करियर्स इन बायोलॉजी पढ़ा है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है तो किसी भी टॉपिक पे लॉन्ग क्वेश्चन पे नोट आ सकता है जैसे हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर पे भी आ सकता है एग्रीकल्चर पे भी आ सकता है बायोटेक्नोलॉजी या फार्मिंग पे भी आपसे नोट लिखवाने के लिए कहा जा सकता है तो आपको ये टॉपिक्स जो ये वो पे पे है वो शॉर्ट वाइज भी प्रिपेयर करने हैं और लॉन्ग वाइज भी प्रिपेयर करने हैं जी स्टूडेंट्स तो आज हमने पढ़ा करियर्स इन बायोलॉजी यानी बायोलॉजी को स्टडी करके हम कौन कौन से प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं हम बायोलॉजी के नॉलेज को लेकर उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा अगले लेक्चर के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज